हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ वेद प्रकाश फ्रॉम राजस्थान, वेटनरी सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट स्क्वाड जम्मू। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता कि नीट के थ्रू कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि ओनली MBBS और BDS ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट के थ्रू कई कोर्स मिल सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कोर्स मिलते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उनमें से एक है वेटनरी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इसमें सिर्फ वेटनरी की ही बात करेंगे। वेटनरी से आप एक एनिमल डॉक्टर बनते हैं और इसकी काउंसलिंग जो है हर साल BCI करवाता है, और इस साल भी जो है इसकी काउंसलिंग BCI कंडक्ट करवा रहा है। और इस साल BCI की काउंसलिंग जो है 28 नवम्बर से स्टार्ट होने वाली है। इसमें इस साल 4 राउंड होंगे और पिछली बार जो है 3 राउंड हुए थे। इस बार जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है अलग से होगा। फर्स्ट राउंड जो है 28 नवंबर से और 9 दिसंबर तक चलेगा, और सेकंड राउंड जो है 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनको या तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला, या फिर जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और उन्होंने जो है रिपोर्टिंग के टाइम पे जो है अपग्रेडिंग का ऑप्शन फिल किया है। इसमें वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, या फिर उन्होंने जो है अपग्रेडिंग का ऑप्शन फिल नहीं किया। पॉप अप राउंड ये 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा, और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, और इसमें आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड दिल्ली में होगा और इसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा 10 जनवरी को। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी 16 जनवरी तक। तो फीस की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड की फीस जो है जनरल के लिए जो है 1000 रुपये होगी, OBC और EWS के लिए 900 रुपये होगी, और SC ST के लिए 500 रुपये होगी। मॉपअप राउंड के लिए जनरल OBC की फीस जो है 10,000 रुपये होगी, और SC ST के लिए 5,000 रुपये होगी। ये जो फीस है रिफंडेबल होगी, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके अकाउंट में वापस डाल दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको PCI काउंसलिंग के बारे में पूरा जानकारी लेनी है तो मैंने उसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द ही दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।